क्वेश्चंस कॉपी हो गए सबके? यस सर। हाँ सर। प्लीज आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, मैं एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है सर, रुको एक मिनट, बाकी है। अच्छा करो करो करो, करो. कॉपी हुआ भाई क्वेश्चंस? हाँ सर। स्टार्ट करो फटाफट से, सबका हो गया? बिकॉज मैं स्क्रीन एक मिनट के लिए बंद करूंगा, मुझे चेक करना है इसलिए। हाँ सर हो गया। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं ना सब लोग? आंसर चैट बॉक्स में भेजिए मुझे।
आई थिंक क्वेश्चन नंबर वन सबका हो गया होगा. क्यों भाई आंसर प्लीज भेजिए मुझे. बोलिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन. अडानी है कि नहीं? हाँ सर बोलो ना. बोलो क्या तुम बोलो आंसर आया कि नहीं आया फर्स्ट क्वेश्चन का? सर कर रहा हूँ एक मिनट. कितना बड़ा क्वेश्चन है क्या यार ये? वशिष्ठ एक मिनट सर एक मिनट. दीति हाँ सर आंसर बड़ा आ रहा है पर वो... क्या बात करो यार स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो. हाँ सर वही किया है. सना सर करती हूँ. महेश्वरी जी कहाँ गए हमारे? यस सर आ गया. मुबारक हो. क्या आया वो बताओ. -114.8 किलो जूल. गला न दबा दूं तुम्हारा माइनस में. प्लस हो गया. प्लस 1. हां सॉरी सॉरी सर. हां 114.8 किलो जूल. हां देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद आ रही क्या थी? हां सर 2.303 इसको तो यार शिट मैन सर बोर्ड बेस्ट है. अरे सब बेस्ट है यार क्या बोले सर. पर उसे जाने दो ना. हाँ सर उसको जैसा आ रहा है उसे रहने दो. वो पार्ट को रहने दो. नहीं अगर वो ओपन हो जाता है ना तो फिर ये चलता नहीं है पेन. ये पेन चलना बंद हो. देखो चल नहीं रहा पेन. वो जब चला जाएगा व्हाइट बोर्ड में ट्राई करो ना लिखने का. व्हाइट बोर्ड पे भी चले जाएं. जो जूम का व्हाइट बोर्ड होता है उस पे कर दो सर अगर लिखना ही है तो. चलो अच्छा जरा देखते हैं न्यू शेयर व्हाइट बोर्ड पर आते हैं. सर एक्चुअली जूम का व्हाइट बोर्ड का क्या ड्रॉबैक है? अगर बीच में से बंद हो गया तो वो जो लास्ट स्लाइड है वो पूरा निकल जाता है. ऐसा है? हाँ सर वो तो है. ये जूम के व्हाइट बोर्ड पे यूज करते हैं सर. पेन चलाने का कहाँ है? ये टेक्स्ट ये वाला टेक्स्ट नहीं इसका कलर है सर. नीचे एनोटेट का ऑप्शन होगा ना अपने. वो मुझे नहीं दिख रहा कोई ड्रॉ का ऑप्शन होगा. तुम मत चला के बताओ डानी मुझे चला लेने दो. स्पॉटलाइट स्टैम्प ड्रॉ मिला. बस अब तुम ही लोग लिख लो. लग गया गलती. मेरा तो बट चल क्यों नहीं है. ये चल नहीं रहा है. वो लिखने नहीं दे रहा है.
सर आपके पास वो नहीं है क्या पेन के साथ जो बोर्ड आता है सर, फोन से आप व्हाइट बोर्ड प्रेजेंट करो और फिर अपने पीसीस पे एनोटेट कर लो। वही किया है भाई। सर सर आपका विंडोज बटन दबाओ और उसमें वन नोट लिखो और उसमें ना जो सिर्फ वन नोट लिखा हो ना वो ट्राई करो। आपका वन नोट फॉर विंडोज 10 है ना, उसके बदले सिर्फ वन नोट रहेगा वो ट्राई करो, उसमें इश्यू नहीं होगा। मतलब क्या कह रहे हो वापस बोलो तो मुझे। आपका विंडोज बटन दबाओ फिर उसमें सर्च ऑप्शन रहेगा एप्लीकेशन सर्च करने के लिए, वो सर्च में जाके वन नोट लिखो। अगर उसमें दो एप्लीकेशन आती है ना वन नोट और वन नोट फॉर विंडोज 10, तो उसमें वन नोट फॉर विंडोज 10 में मत जाना, सिर्फ वन नोट में जाना। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट है एक, हाँ तो वो खोलो उस पर ट्राई करो अगर होता है तो। चलो मैं कर दिया हूँ। बाकी आप लोग जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचो, मैं जरा देख लेता हूँ अगर ये पॉसिबल हो जाए तो बढ़िया है।
आप तक क्वेश्चन करते रहिएगा आगे का और आंसर्स भेजिए।
अभी बताएंगे मुझे क्या कैसे किया है फर्स्ट वाला आप लोगों ने. आपको स्लोप की वैल्यू दी थी 6000. हां सर, फिर उसे हमने इक्वेशन हमने एक्टिवेशन एनर्जी वाले ग्राफ के साथ कंपेयर कर देना है. हां सर, है ना. हां तो सर, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा. ये आपका जो आएगा 6000 इनटू 2.303 इनटू आर 8.31 रख दो, हो गया. यस सर, यही किया सबने फर्स्ट. यस सर. सर 8.3 क्यों कह रहे, रिवर एंड नहीं डाल सकते? नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन. आपको क्या क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं, जूल में, कैलोरी में, एटमॉस्फेयर में, जिसमें दिए हैं आप उसमें कर दीजिए. सेकंड क्वेश्चन हमने आपको दिया था ये, जहां पर आपको t is equal to 0 आपको दिया था और t is equal to 15 minutes आपको दिया था ना. हाँ सर. ये आपको गिवन था. अब आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए. ये आपका फॉर्मूला था, है ना. Yes. तो आपके पास तो टोटल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर यानी P नॉट आपको गिवन है, कितना है 169.3 और 15 मिनट्स पे जो प्रेशर है दैट इज टोटल प्रेशर 256. हमारे पास P तो है नहीं, तो P कैसे निकालेंगे? तो P टोटल निकाल लेते हैं पहले. P नॉट माइनस P प्लस 2P प्लस P कितना आया? ये आया. हाँ सर. तो यहां से अगर हमें P निकालना है तो P is equal to क्या हो जाएगा? PT माइनस P नॉट 2 बराबर ना. 256 माइनस 169.3 बाई 2 सॉल्व करो तो कितना आया? कितना आ रहा है? 15 minutes बता रहे हैं. लॉग पी नॉट आपको पता चल गया 169.3 और P नॉट माइनस P यानी 169.3 माइनस 43.35 ये आपको सॉल्व करना है और T हाफ आपको मिल जाएगा. इज इट क्लियर? कितना आया बताइए जरा. T हाफ या T हाफ निकालना था पहले, पहले रेट कांस्टेंट निकालना था, ये निकालना है पहले. पहले के निकालो फिर चेंज कर देंगे. के कितना आ रहा है भाई? सॉल्व नहीं किया क्या? के या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर. हाँ सर, क्वेश्चन में 9 मिनट्स पूछा था ना. 9 मिनट्स था, 15 मिनट्स था. नहीं नहीं, ये तो बेटा पहला पार्ट किया ना मैंने. आपसे तीन चीजें पूछी है ना, रेट कांस्टेंट पूछा है, इसके बाद आपसे टी हाफ पूछा है. तो टी हाफ बताने के लिए आपके पास के आ गया, तो 0.693 बाई के. फिर सी पार्ट में पूछा है कि 9 मिनट्स पे प्रेशर कितना होगा. हाँ सर, मुझे लगा 9 मिनट्स तीनों के लिए. नहीं 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 नहीं, ये फर्स्ट टू पार्ट पहले करो और थर्ड पार्ट करने के लिए टाइम आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा और आपको ये पी फाइंड करना पड़ेगा कि 9 मिनट्स पे प्रेशर कितना हो रहा है. करिए सॉल्व जरा. सर के का वैल्यू तो मैच हो गया. K का वैल्यू मैच हो रहा है सर. हाँ ठीक है, बी मैच करा दीजिए और सी कर दीजिए.
सी वाला किया भाई? वशिष्ठ? हाँ सर। सी कितना, सी का क्या आ रहा आंसर? सी अभी किया नहीं है सर। जल्दी करो सर। उसमें ईए का वैल्यू क्या दिया था? ईए कहाँ से आ गया सर? मैंने कुछ गलत लिख लिया है, क्या कर रहे? ईए की जरूरत कहाँ है यहाँ पे सर? टी हाफ की वैल्यू 35.17 है क्या? अब वो बचा ही क्या, डिवाइड करके जो भी आया 35.18 आ रहा है। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेट चलेगा। अब सी वाला पार्ट करिए। सर सी वाले में हम एंटी लॉग यूज करेंगे, बट लॉग टेबल हमको जेई में नहीं देगी, तो तभी क्या करेंगे? अरे बेटा अप्रोक्सीमेट लेकर के किया जाता है, तो नहीं मिलेगी, ये तो जमाने से सबको पता है सर। 25.8 टॉर है। 25.8? नहीं यार, गड़बड़ आ रहा है कुछ तो। सर आंसर क्या है? 27.5। कैलकुलेशन चेक करो जरा। के की जगह पे 0.0197 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लीजिए। 27.5 ये आ रहा है आंसर। आ गया सर। थर्ड क्वेश्चन करिए।
हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या था सर, एक बार रीड करिए तो। क्यों भाई, बस ये इज इक्वल टू जीरो, रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन इज। हाँ बस ठीक याद आ गया। तो लॉग K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। ये था राइट। आर बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर EA जीरो हो गया तो ये फैक्टर तो खत्म ही हो गया ना। हाँ सर। लॉग K2 by K1 is equal to जीरो, एंटी लॉग लोगे तो क्या आ जाएगा, K2 by K1 is equal to 1। Yes sir। यानी कि के रिमेंस सेम। हाँ सर, ये मैच किया आंसर। हाँ सर। हाँ सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था, फोर्थ वाला सॉल्व किया है कि अभी नहीं पहुंचे वहां तक सर? एक मिनट।
करिए। फोर्थ क्वेश्चन हो पाया कि नहीं आप लोगों से? यू गाइस सर एक्टिवेशन एनर्जी मिल गया। हाँ और क्या फाइंड करना था उसमें? सर टी हाफ टू नॉट हाफ टाइम हाफ लाइफ। ये तो लॉग के आपके पास था, लॉग के की जगह पे रख दीजिए टी हाफ का वैल्यू। समझ आया कि नहीं सर? पर टेम्परेचर नहीं है ना। नहीं तो वो टेम्परेचर फाइंड करना है ना आपको। सर टेम्परेचर भी नहीं है, ईए भी नहीं है सर। ईए तो हम निकाला तुमने सबसे पहले। ईए मिल गया, टेम्परेचर नहीं है और हाफ लाइफ भी नहीं है और इक्वेशन एक ही है। हाफ टाइम दिया है सर। हाफ टाइम है ना। अरे हाफ लाइफ तो दिया हुआ है, क्या चीज कह रहे हो तुम भाई? आपको जो इक्वेशन है सर, सॉरी सॉरी
मस्ट है करना आपको। समझ गया सर, करिए फटाफट से करिए और फिर इसके बाद ही कंटिन्यू करिए आगे। सर आप ने जो बोल नहीं समझा सर, ये क्या चीज नहीं समझा आपने, लास्ट में कुछ बोला ना, लास्ट में ये तो ये कोई थोड़ी ना होता है लास्ट में क्या बोला और फर्स्ट क्या बोला। तुम्हें क्या लग रहा है स्टेटमेंट याद करके बोल रहे थे हम, तो लास्ट वाला क्या था मैं देख पाऊंगा। सर किसी ने समझा बोला उसके पहले जो बोला था वो नहीं फिर यार मत बोलो उसके पहले उसके बाद कोई और कोई और बता सकता है। चलो बोर्ड पे देखो, उनको तो याद होगा। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, इसे इक्वेशन से हमने एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? हाँ इससे एक्टिवेशन एनर्जी निकला। ओह और हा। K की जगह पर 0.693 बाई टी हाफ। टी हाफ आपको पता है? हाँ सर। तो बस आपको K पता चल गया, ये सब कुछ पता है, टी आपको निकालना है। ओके ओके समझा सर समझा। सर 871 केल्विन है। क्या बोल रहे हैं? 871 केल्विन है। 871 तो ऑप्शन में नहीं है सर। क्या क्या ऑप्शन है? अच्छा ऑप्शन बता दे, तुम ऑप्शन सेट करोगे क्या? ऐसे एग्जाम में दिया जाएगा ऑप्शन सेट करके। 707 है। सर ये क्वेश्चन। हाँ बेटा। सर ये मॉड्यूल से ही है ना, क्योंकि यही डाउट्स थे एक्चुअली। नहीं हो सकता है मॉड्यूल में एक क्वेश्चन दिया हो, मुझे नहीं पता। क्या उसमें फाउंडेशन बिल्डर में? हाँ तो मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, सेम डेटा है क्या? नहीं सर ऐसे ही क्वेश्चंस में डाउट था। होगा वो पक्के, मैं आपको क्वेश्चन जो भी करा रहा हूँ वो इसीलिए करा रहा हूँ, मुझे पता है कि हम लोग ने जो पढ़ा है और जो क्वेश्चन है उन दोनों बिल्कुल डिफरेंट, सीधा सीधा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। नेक्स्ट करिए भाई फटाफट से, फिफ्थ वाला जो आ रहा है वो अटेंड करिए, जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ दीजिए।
आंसर 4 का आंसर 871 केल्विन ही आ रहा है। 707 कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा होगा, आप छोड़ दीजिए उतना करके, बाद में आराम से बैठ के चेक कर लीजिएगा, कुछ लॉग लेने में गड़बड़ किया रहेगा। वहीं पे अगर आपने अप्रोक्स ज्यादा अप्रोक्स कर लिया होगा तो वेरिएशन दिख रहा है इतना। नेक्स्ट करिए फटाफट। सर आ गया नेक्स्ट वाला भी। क्या बोल रहे हैं सर? 5m/8 आ रहा है। कौन सा? फिफ्थ वाला? सिक्स्थ वाला। अच्छा फिफ्थ वाला 600 केल्विन करके देखते हैं। और किसी का हुआ क्या फिफ्थ सिक्स? सर फिफ्थ वाले का 600 केल्विन ही आया। 600 केल्विन कैसे यार? अरे सिक्स वाले में टेम्प। अच्छा फिफ्थ वाला तो पहले बताओ, टेम्परेचर पूछा है ना उसमें तो। हाँ सर वही 600 केल्विन। अच्छा 600 केल्विन ओके। 20 से 10 जूल द टेम्परेचर एट व्हिच द केटलाइज रिएक्शन विल हैपन। कैसे किया है आपने इसको सर? 474 केल्विन। नहीं 474 केल्विन तो नहीं आ रहा है। किया कैसे सर? log k is equal to log a minus 2.303 r into EA by T. EA upon 2.303 R by T. फिर log के minus log के constant होगा दोनों के लिए। तो फिर और 2.303 R दोनों में कट हो जाएगा। तो EA by T is equal to EA dash by T dash। बस बस बिल्कुल सही है। देखिए board पे equation लिखी है मैंने। K तो same कह रहे हैं, A constant है, R कांस्टेंट है, 2.3 कांस्टेंट है, तो EA 1 upon T1 is equal to EA 2 upon T2। समझा भाई? कर दीजिए सॉल्व। तो 20 है टेम, तो केल्विन में टेम्परेचर रखिएगा तो 300 होगा ये केल्विन में, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 600 केल्विन। आया कि नहीं आया? सर आ गया। हाँ सर आ गया। सिक्स्थ वाला करिए, सेवेंथ वाला करिए। मैं फिर टेरेस कर रहा हूँ ना। सर सिक्स और सेवेंथ आ गए। ठीक है
सर सेवेंथ में फॉर के बाद क्या लिखा है? सेवेंथ में फाइन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन लिखा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके सर. ओके सर एथ में इंक्रीजेस बाय क्या लिखा है? बाय व्हाट फैक्टर सर? एथ में इंक्रीजेस बाय 30 to 90 है कि 70 to 90 है? 90, 30 to 90.
नाइन्थ वाले में रेट कांस्टेंट पूछा है ना? नाइन्थ वाले में रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन पूछा है आपसे।
पहले सिक्स क्वेश्चन बता दो मुझे किसने किया है। सिक्स किया है किसी ने? क्यों भाई? 0.6 आ रहा है सर। अच्छा सिक्स का 0.6 आ रहा, किया कैसे है भाई ये बताइए। 24 आवर्स है, 96 है, 10 कैसे किया है? अरे बोलो भैया सर। 0.625 एग्जैक्ट। ऐसे रखा है सारी वैल्यूज? हाँ सर। कितना आया आंसर? 0.625 बराबर है, सबका मैच कर रहा है। और मैंने मैंने क्या किया कि 24 आवर्स में हाफ होता है, तो ऐसे 4 टाइम्स किया, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 रेशियो 4। गूगल पे दिया था क्या? नहीं सर, खुद से किया है, गूगल से मैं नहीं सकता। क्यों? ये तो गलत बात, तुमको गूगल पे ट्रस्ट नहीं है? नहीं सर। मतलब तुम सुंदर पिचाई की बेइज्जती कर रहे हो? सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई के ऊपर नहीं सर, बट बनाने वाला आदमी थोड़ी सुंदर पिचाई रहा है। पिचाई सर, गूगल दूसरे काम के लिए अच्छा है, एकेडमिक्स के लिए अच्छा नहीं है। ओह माय गॉड, चलो आ जाओ सेवंथ क्वेश्चन। कुछ आप सच्चे हैं सर, बट क्या पता वहाँ पे जो करने जो सॉल्व करते हैं वो भी ह्यूमन बीइंग्स ही है ना सर, गलती उनसे हो भी जाती है, पता नहीं वो कितने कितने क्वालिफाइड है करके हमको थोड़ी पता है। डाउट डाल दो तुम। चलो सेवंथ बोलो क्या किया है सर। K1/K2=x/y कर दिया। ये हम लोगों ने किया था ना पैरेलल। हां सर, ये आपने इक्वेशन भी दी। बस एग्जैक्टली सीधे वैल्यू पुट करनी है। कितना आ रहा है आंसर? 75/25% बी और सी। हां सर, बी 75 और सी 25। इनटू द पावर माइनस 5 कर दो जो भी आ रहा होगा। कितने टाइम्स आ रहा है? 3/1 ठीक है, क्लियर है सबको? एट्थ बताओ, एट्थ बोलिए भाई। सर बोलिए, नहीं समझा। नहीं समझा, ये भी क्लास में कराया था मैंने सर। टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपने नहीं बताया। क्या बात करो, अरहेनियस इक्वेशन से पहले बताया मैंने। हाँ सर, वो आपने दिया था। देखो ना, अरहेनियस इक्वेशन से पहले ही मैंने टाइम्स इंक्रीज करता है अगर 10 डिग्री, वो वाला। हाँ 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 हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। आया है कि नहीं आया? मैं करूँ सर? कौन सा वाला सर? आप एक बार करो ना। मैं एक बार क्या, दो बार कर दूंगा मैं कह रहा हूँ। पर अरहेनियस इक्वेशन से पहले एक बार देखो, मैंने कराया है इसको। हाँ सर समझा समझा, 10 डिग्री पे 2 टाइम्स बढ़ता है, वो वाला ना। हाँ हाँ हाँ। है कोई पॉसिबिलिटी हो पाने की? कर रहा है भाई कोई सॉल्व? नहीं आया क्या? अरे मैंने लिखाया था एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज पर ट्वाइस हो जाता है। इसके साथ ट्वाइस होता है, वही टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। हाँ सर, मतलब कोई सर तो 64 हो जाएगा 2:6।
देखो कितनी बार ट्वाइस कितने टाइम्स आ रहा है समझा सर कोएफिशिएंट ट्वाइस हो जाता हाँ मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब टू मतलब ट्वाइस होना इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इट अब देखो एक तो तरीका ये जैसे मैंने बताया कि टू टाइम्स दूसरा एक शॉर्टकट है शॉर्टकट क्या है जस्ट सब्ट्रैक्ट करो कितने का डिफरेंस आ रहा है जितने का भी डिफरेंस आए उसकी फर्स्ट डिजिट इज द पावर ऑफ टू हो गया देखो वही आएगा आंसर समझा कि नहीं हाँ सर टेम्परेचर कोएफिशिएंट कुछ और होता फिर भी यही करना नहीं टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3 होता तो 3 की अच्छा हमने आपको उस दिन जब बताया था तो आपसे बोला भी था कि 2 टू 3 टाइम्स होता है बट लेते हैं हमेशा 2 ही है सॉल्व करते समय याद है लिखा था देखो वहां पे तो 2 की पावर कितना हो रहा है 6 हो रहा है मल्टीप्लाई कर लो जितना भी हो रहा हो इसके बाद आते हैं 9th चलो 9th बता दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 87.5% कंप्लीट इन एनआर रेट कांस्टेंट यानी के चाहिए कैसे करेंगे सर वो फॉर्म क्या करें आर में ही सॉल्व कर लें क्या इतनी कंप्लीट हो गई है सर मिनट में 0.0345 आया है अब वो कर लो जिसमें इजी सॉल्व हो जाए बाकी ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता मिनट्स में कितना आ रहा है 0.0345 और आर्स में करेंगे तो कितना आएगा इनटू 60 कर देंगे हम चलो ठीक है ये यहाँ से कर लें कितना हो गया ये सबट्रैक्ट करेंगे तो सर 2.07 होगा कर लें तो बाकी लोगों को भी मौका दिया जाए सॉल्व करने का और बाकी देखो यूनिट हर बार इस बात पे डिपेंड करती है कि ऑप्शन में क्या है ऑप्शन में मिनट्स में आवर्स में पूछ रहा सेकंड में पूछ रहा वो कन्वर्ट कर देंगे चलो भाई कितना आ रहा है हुआ भाई इज इट हाँ सर कितना आंसर आया 2.07 2.07 यार्स में आंसर तो दूर दूर तक ऐसा नहीं मिल रहा है कुछ तो कैलकुलेशन एरर है चेक करो भैया कैसे कर रहे हो अच्छा 100 माइनस 87.5 किया तो कितना हो गया 12.5 बाई 100 किया तो कितना हो गया 8 लॉग 8 हो गया ना तो 8 को क्या लिख सकते हैं 3 log 2 लिख सकते हैं 3 log 2 हो गया जाके 60-20 बराबर ठीक है
समझ आ गया सबको भाई? हाँ सर। अभी मेरी तरफ से प्रैक्टिस सेशन हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट पे करेंगे मॉड्यूल डिस्कस। एक बार जिनके जो डाउट्स थे उनको आप रीट्राई करिएगा, आप कर पाए शायद कुछ। हाँ सर यही डाउट। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट पे तो डिस्कस कर ही लेंगे जिसके और भी जो रह गए हैं। ठीक है गाइस, और इसमें जो है ना गेट इक्विप्ड आईटी जेई मेंस वाले क्वेश्चन तो कर ही लेना। अच्छा विंडो तक हो गया, ये भगवान इतना फास्ट बच्चे हैं, अच्छी बात है। चलो जितना डिस्कस कर पाएंगे नेक्स्ट पे डिस्कस कर लेंगे। आपने कहा था खत्म हो गए मॉड्यूल, आज डिस्कस ही करनी थी। हाँ सर। नहीं मैं एक्चुअली प्रैक्टिस कराना था ना, क्योंकि ये प्रैक्टिस कराने के बाद तो आपके बहुत सारे डाउट्स खत्म भी हो गए ना। हमने प्रैक्टिस नहीं कराया था इसलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे डिस्कस करने के बाद अभी नया टॉपिक स्टार्ट करना है, पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखते हैं। पी ब्लॉक में भी बहुत बाकी है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हैलोजन सब है। हमारा क्या सर? हाँ अच्छा सॉरी मैं भूल गया, वापस लिया स्टेटमेंट मैंने अपना। ठीक है देखेंगे बाद में उसको। चलो गाइस एंजॉय, बाय बाय बाय।